आज हमारा बहुत सौभाग्य है। आर्य समाज शिकागो इनका वार्षिक उत्सव महायज्ञ ये कर रहे हैं और हमारी मुलाकात हो रही है स्वामी विश्वंग जी से। आपको टीवी एशिया पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वामी जी। एज आई गॉट टू नो दैट अभी आप जब इंटरनेशनल योगा डे के टाइम पे आप भारत से आए और स्वामी रामदेव जी आपके गुरु भाई हैं, और योग की जब बात करते हैं, योग मीन्स यूनियन, योग का काम है मिलाना। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जब विवेकानंद जी ने कहा था कि ईस्ट भारत को स्पिरिचुअलिटी दे और वेस्ट जो है भारत को साइंसेस दे, और वो इससे अच्छा समय कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल पहले एक आगाज़ किया कि इट शुड बी इंटरनेशनल योगा डे एंड June 21st एंड 181 कंट्रीज़ ने उनको ज्वाइन किया। योगा हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से चल रहा है, बट लाइक नाउ इट हैज़ कम अंडर लाइक यू नो इट्स वेरी ब्यूटिफुल टू से दैट जो भारत को उसका श्रेय मिलना चाहिए था, जो पतंजलि का, वो अब प्राप्त होता है क्योंकि सबने स्वीकार किया है धर्म से परे, जात से परे और रंग से परे। ना उसमें रंग है, ना भेद है, ना उसमें जात का भेद है, ना धर्म का भेद है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये पुस्तक ध्यान योग एंड रोग निवारण, योग से हम रोग की बहुत मुक्ति पा सकते हैं। सो लेट्स हियर। देखिए, एक मनुष्य जो बनता है वो सर्वांगीण दृष्टिकोण से, यानी संपूर्ण मानवीय जो परिवेश है वो उससे बनता है, जो फिजिकल बॉडी को वो कैसे स्वस्थ रख सकता है, निरोग कैसे रख सकता है, और फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो मेंटल बॉडी है उसको कैसे वो स्वस्थ रख सकता है, उत्तम रख सकता है, और मेंटल बॉडी को अगर वो स्वस्थ नहीं रखा तो फिजिकल बॉडी भी वो स्वस्थ नहीं रह पाएगी, और जहाँ मेंटल बॉडी को ठीक रखा है तो वो इमोशनल बॉडी को भी ठीक रख सकता है, क्योंकि इमोशनल बॉडी को अगर ठीक नहीं रखा है तो कोई भी दुख आता है, कोई भी कष्ट आता है, कोई भी जीवन के अंदर मुसीबत आती है, उसको वो पेशेंस नहीं रख पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा। उसको अगर सहन करना है, उसको समझना है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, उस फ्यूचर को ध्यान में रख कर के वो अपने लाइफस्टाइल को बनाता है, और जब कोई भी मुसीबत आ जाता है तो उसका इमोशनल जो बॉडी है उसको वो एक नॉर्मल रख लेता है, सो कोई कष्ट दुख नहीं होता है। और जहाँ फिजिकल बॉडी को और मेंटल बॉडी को और इमोशनल बॉडी को जब ठीक रख लेता है तो उसका स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो बहुत उत्तम हो जाता है, अच्छा बन जाता है। तो सोल की दृष्टि से, माइंड की दृष्टि से, और फिजिकल जो हमारे सेंसेस है उनकी दृष्टि से, पूरे बॉडी की दृष्टि से ये योग उस पूरे मानव को उत्तम बना देता है। स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे कि योग जब बात आती है, खाली योग आसन नहीं है, योग जो हम बात करते हैं आसन तो एक सिरपाक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इन ध्यान इन समाधि, बिकॉज सब कुछ नियम से उसको लाना, चाहे शरीर हो, उसको मन से, शरीर से, सब तरफ से, वो भी एक योग है ना, उसके बारे में। देखिए, योग का जो पूरा स्वरूप है वो ये है, अष्टांग योग के नाम से बोला जाता है, जो आपने अभी दोहराया है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप योग के 8 अंगों को आप पूरा बोल रही हैं, इसका मतलब आप योग से जुड़ी हुई हैं। स्वामी जी, मैं योगा टीचर हूं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हिरेंद्र ब्रह्मचारी मेरे गुरु जी, जी जी जी, और उन्होंने तो, योग जो है तब तो आप मीन्स योग को उन्होंने स्कूल में टीचर अपॉइंट किए थे, और योग को दूरदर्शन में लाए थे, तब कोई चैनल भी नहीं होते थे, हम बहुत छोटे थे उस टाइम। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रह करके योग टीचर बन करके आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतना ऊंचाई पर ले जाएंगी, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो अष्टांग योग में 8 जो हैं, यम से स्टार्ट होता है और समाधि तक जो उसका अंतिम स्थिति बनती है, उसका जो गोल है वो समाधि है। तो पूरा लाइफ में अगर व्यक्ति यम को अपने लाइफ में नहीं लाता है, यानी अहिंसा को जीवन में नहीं उतारता है, किसी दूसरे को अन्यायपूर्वक दुख नहीं देना, किसी को भी अन्यायपूर्वक दुख नहीं देता, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो योग करता है। जब दूसरों के साथ जब आप व्यवहार करते हो, यदि उसके साथ में अगर सत्य का पालन नहीं करते हैं, सच्चाई का पालन नहीं करते हैं, तो वो योग नहीं कर सकता। तो जो कोई भी व्यक्ति पूरे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सच्चाई का पालन करता है तो वो योग कर रहा है, वो योग है। अगर कोई ही
अन्यायपूर्वक किसी का कोई कुछ छीनता नहीं है, चोरी नहीं करता है, तो समझ लेना वो योग कर रहा है। अगर मैं, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, उनके साथ तो अच्छा बिहेवियर करता है, अच्छा व्यवहार करता है, बाकी माँ को, बाकी बहनों को, बाकी बेटियों को अगर वो अच्छे एटीट्यूड से नहीं देख रहा है, इसका मतलब वो योग नहीं कर रहा है। और एक बहुत उत्तम एटीट्यूड से उनको देख रहा है, जैसे अपनी माँ को समझ रहा है वैसी ही दूसरी माँ को समझ रहा है, ऐसी जैसे अपनी बेटी को समझ रहा है दूसरी को भी वैसे ही समझ रहा है, इसका मतलब वो योग कर रहा है। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, संयम जिसको हम कहें, जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से जितना उसको जरूरत है उतना ही कलेक्शन करता है, उससे ज़्यादा कलेक्शन नहीं करता, इसका मतलब वो अपरिग्रह का पालन करता है, वो अपने लाइफ में बहुत सुखी रह सकता है। जितना ज़्यादा कलेक्शन करेगा उसको उतना ही गलत करना पड़ता है, तो वो लीगली उतना नहीं प्राप्त कर पाता, इसलिए वो उसको इलीगल बहुत कुछ करना पड़ता है। तो लीगली अगर उसको चलना है तो वो योग कर रहा है, जो लीगल होकर के काम करता है, तो इसका मतलब वो योग ही कर रहा है। तो योग केवल आसन से नहीं है, योग पूरे लाइफ से है। सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक वो जो कुछ भी करता है वो योग से युक्त अगर कर रहा है तो वो पूरा योग कर रहा है। तो यम से लेकर के मेडिटेशन तक वो पूरा योग को ही अपने जीवन में उतार रहा है, तब वास्तव में योग है। केवल एक घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए आसन किया, कुछ स्ट्रेसेस किया है और कुछ वॉक किया है या कुछ प्राणायाम किया है, इतना ही योग नहीं है। योग पूरा जीवन है। तो जीवन में वो पूरे योग को अपने जीवन में जब उतारता है, यम से लेकर के, नियम से लेकर के, आसन से लेकर के, प्राणायाम से लेकर के, अपने पूरे सेंसेस को अपने कंट्रोल में रख कर के, प्रत्याहार को अपने जीवन में उतारता है, और जो उसको जो भी काम करना है पूरा फोकस करके, धारणा बना करके उस काम को करता है, तो उसका जो भी गोल है उसको वो अचीव करेगा, तो मेडिटेशन के थ्रू उसको अचीव करेगा, तो उसको समाधि लग सकती है। तो पूरे योग को जीवन के साथ जोड़ना पड़ता है। अभी हम आज आर्य समाज के प्रांगण में हैं, तो मैं जानना चाहूँगी, आप यहाँ पे आए हैं, आप इस विषय पे बोलेंगे। आर्य समाज ने भी काफ़ी हमारे जो उसकी देन है काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके जो सम्मेलन है इसके विषय में थोड़ा सा। देखिए, आर्य समाज ने बहुत कुछ किया है इस पूरे वर्ल्ड के लिए। आज योग को पूरे वर्ल्ड में अगर पहचान दिलाया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है स्वामी रामदेव जी। और स्वामी रामदेव जी योग जो आए हैं आज पूरे वर्ल्ड के सामने, वो आर्य समाज का देन है, वो आर्य समाज के प्रोडक्ट हैं, आर्य समाज से ही पैदा हुए हैं। तो ऐसे ही जो भी यहाँ पर कहीं पर भी योग के बारे में उसको बेसिक से लेकर के समाधि तक जो पहुँचा रहे हैं, वो आर्य समाज का उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और भी जितने भी समाज हैं संसार में, वो लोग भी बहुत काम कर रहे हैं योग के विषय में। हर समाज आज अपना रहा है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यवन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर कोई व्यक्ति इस योग को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि ये योग यूनिवर्सल है, सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो उसमें आर्य समाज भी एक बहुत बड़ा भाग है, जिसके कारण से योग को इतना आगे तक पहुंचाया जा रहा है। और मैं भी आज जहां तक, जहां यहां पर आपके अमेरिका में, शिकागो में आकर के मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, उसके पीछे भी मैं आर्य समाज के कारण से हूं। मैं भी एक प्रोडक्ट हूं आर्य समाज का। तो आर्य समाज बहुत कुछ दे रहा है इस समाज के लिए। आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि आप योग को साथ में लेकर के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आप काम कर रही हैं, तो हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आप ऐसा ही करते जाइएगा तो निश्चित रूप से आपका सोल बहुत अच्छा बनेगा, और आज भी अच्छा है और बहुत 100% बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।